कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी एक दिवसीय दौरे पर जनपद रुद्रप्रयाग पहुंचे। मंत्री गणेश जोशी ने केदारनाथ धाम विधानसभा के अंतर्गत सतेरा खाल मंडल के दुर्गाधार स्थित हाउस में भाजपा के सदस्यता अभियान और आगामी केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की रणनीति और संगठनात्मक विषयों पर कार्यकर्ताओं से सार्थक चर्चा की। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार ने भाजपा सदस्यता अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अधिक लोगों तक पहुंचने की अपील की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। उन्होंने कहा कि आज भाजपा के देश भर में 18 करोड़ से अधिक सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि बीते जुलाई माह में रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ क्षेत्र में भारी बारिश से हुई नुकसान के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेष सहायता राशि 9.08 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की है, जिससे 5,000 से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भरोसा जताते हुए कहा कि निश्चित ही आगामी केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा भारी मतों से विजयी होगी। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। केदारनाथ भारतीय जनता पार्टी की प्रकार सीट और मोदी जी ने 2013 के बाद विशेष का कायाकल्प किया और अभी हाल की आपदा में इसका मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ पर पहुंचे और 9 करोड़ का एक पैकेज आपदा प्रभावित उनको दिया, जिसमें 5,600 से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। उसका संदेश पूरे क्षेत्र में है। देखिए, आपदा को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आपदा के बाद सरकार किस जिम्मेदारी से, किस सृजनशीलता से काम कर रही है, ये प्रश्न का विषय है। और इस कसौटी पर भारतीय जनता पार्टी की, चाहे दिल्ली की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रदेश की धामी सरकार हो, पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। मैं अपने प्रवास के दौरान कल से मैं यहाँ पर हूँ। कई व्यापारिक संगठन, कई मजदूर संगठन, कई संगठनों से हमारी बातचीत हुई और उस बातचीत के आधार पर मैं कह सकता हूं कि केदारनाथ की सीट भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतने वाली है।